अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराया तो तोड़ देंगे ईवीएम मशीन। दलित नेता ने चुनाव आयोग को दी खुली धमकी। दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष बीकम सिंह भारती का बयान आया है कि यूपी चुनाव में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराकर वॉलेट पेपर से चुनाव हो। इसके उन्होंने ऐलान किया कि अगर चुनाव आयोग ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो वह सबसे पहले चुनाव में ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। भारती जी, यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में आपने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की बात कही है, क्या पूरा मामला है और क्या आपका बयान है पूरा? देखिए पत्रकार बंधु, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ यूपी मिशन 2022 में लग चुकी हैं और सारी पार्टियाँ अपनी अपनी जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और पार्टी कुछ पराजित की तरफ चली जाती है, एक जीत की तरफ चली जाती है, तो फिर वहाँ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू होता है कि ये ईवीएम के द्वारा जीती है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा उन राजनीतिक पार्टियों से कि उस ईवीएम के मुद्दे को अब क्यों नहीं उठाते, क्यों चुनाव आयोग से मांग नहीं करते कि हमारे यूपी का चुनाव, 2022 का चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए। अब राजनीतिक पार्टियां कोई नहीं कर रही हैं तो दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच की तरफ से मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव इस मशीन को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। फिर भी अगर चुनाव आयोग हमारी बात को वरीयता नहीं देता है, हमारी बात को ध्यान नहीं देता है, तो फिर हम ये भी ऐलान करते हैं कि अगर 2022 में यूपी के अंदर वोटिंग मशीन से चुनाव हुआ तो हम फिर वोटिंग मशीन तोड़ने का काम भी करेंगे।